नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है कि दोस्तों सरकार कुछ बड़ा करने वाली है जल्द ही। वो बड़ा क्या होगा? देखो दोस्तों, जो भी बच्चे यूजीसी और AICTE से जुड़े हुए हैं तो उनका थोड़ा शौक लग सकता है, क्योंकि सरकार इन दोनों आयोग को और NCTE आयोग को बंद करने का फैसला ले चुकी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। फुल जानकारी हिंदी में है, तो आइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को दोस्तों UGC NET हिस्ट्री की बुक परचेज़ करनी हो तो हमारा नंबर है 8755475312, व्हाट्सएप करके मंगा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए। देखो, कई दिन से ये खबर चल रही थी कि UGC, NCTE और AICTE क्या बंद होंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने ये खबर ट्विटर पर और बड़े बड़े चैनल के माध्यम से देखी है कि सरकार ने फैसला लिया है कि इन तीनों आयोग को वो बंद करेगी। ठीक है, जैसा कि आप लिखित रूप में भी देख सकते हैं कि UGC, AICTE और NCTE को लेकर सरकार एक बड़े तैयारी में है। जल्द ही इन नियामक को सरकार ख़त्म कर सकती है और HECI यानी कि इन तीनों को बंद करके HECI ला सकती है। इसे लेकर सरकार संसद में बिल लेकर आएगी। अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई इसको क्यों बंद करना चाहती है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के तहत केंद्र सरकार देश में एजुकेशन क्वालिटी सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए कई बड़े बदलाव करने की ओर बढ़ रही है। सरकार 78 साल पुराने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 67 साल पुराने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और 28 साल पुरानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE को ख़त्म कर हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटिंग बॉडी बनाने की तैयारी कर रही है जो सभी के लिए कामकाज संभालेगी। सरकार इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम देगी। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि ये कब संसद में पेश होगा और कब इसको लागू किया जाएगा, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही संसद में HECI विधेयक पेश करेंगे, उसके बाद स्थायी समिति की भी जांच की जाएगी। हमने हर चीज़ के लिए व्यापक तरीके से काम शुरू कर दिया है। इसके तीन मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। पहली भूमिका नियामक की है जो UGC ग्रांट कमीशन करता है। इसने पहले ही अपने लेवल पर कई आंतरिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि HECI रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर जोर देगा। वहीं चौथा वर्टिकल यानी फंडिंग इससे अलग होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालय के पास ही रहेगी। दोस्तों क्या होंगे फ़ायदा? ठीक है, फ़ायदे क्या होंगे? तो हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी होने के कई फायदे हो सकते हैं। पहला कि यह देश में एक आदर्श एजुकेशनल सिस्टम स्थापित करेगा। दूसरा, इससे सरकार को इन संस्थाओं के काम को देखना आसान हो जाएगा। तीसरा, यह सुनिश्चित करेगा कि ये संस्थान गाइडलाइन और रेगुलेशन का पालन करें। चौथा, इन संस्थानों के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा। जानकारी दें कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2028 में पेश किया गया था, हालांकि इसे NEP 2022 के आने के साथ अंतिम रूप दिया गया था। वहीं 2021 में इसे पेश करने का कदम उठाया गया। इसके बाद अब इस विधेयक को पार्लियामेंट की शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी की जा रही है। यानी दोस्तों नवंबर दिसंबर में ये पेश हो जाएगा और लागू भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी, और देखो इसमें क्या होगा कि मेडिकल और लॉ कॉलेज बाहर होंगे। इस कमीशन के दायरे में सिर्फ मेडिकल और लॉ कॉलेज नहीं आएंगे। अभी लागू सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग बॉडी की योजना लंबे समय से विचाराधीन है।
लेकिन हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही इसके लिए एक बिल संसद में पेश किया जाएगा। ये बिल UGC, AICTE और NCT की जगह लेगा और सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड की तरह कार्य करेगा। ये केवल मेडिकल और लॉ कॉलेज पर लागू नहीं होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और देखो इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि जो भी बच्चे UGC को जानते थे या AICTE को जानते थे, NCT को जानते थे, इन तीनों में काफ़ी बड़ा काम होता है, ये तीनों संस्थान बंद हो जाएंगे, थोड़ा सी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों कुछ नुकसान और देखने को मिल जाए, तो भविष्य गर्त में है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।